आप इन सभी क्रेडिट कार्ड को भूल जाओगे अगर आपके पास बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड रहेगा तो। बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड अगर आपको एक बार मिल गया ना तो आप ये सोच लीजिए कि बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से आप ऑनलाइन तो ऑनलाइन ऑफलाइन भी किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई में बाय कर सकते हो। सबसे प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपको नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी मिल जाती है। जबकि क्रेडिट कार्ड लेना हो तो क्रेडिट कार्ड लेना इतना आसान नहीं है, हर किसी को क्रेडिट कार्ड मिलता भी नहीं है। उसके लिए बकायदा आपको इनकम प्रूफ वगैरह भी देना पड़ जाता है। जब कोई भी प्रोडक्ट आप ईएमआई में बाय करते हो या ईएमआई में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी, कन्वेंस फीस सब कुछ देना पड़ जाता है। लेकिन जब आपके पास बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड होता है तो भैया आँख बंद करके कोई भी प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हो। आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को आप ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो भी घर बैठे हुए। दूसरा, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में जानकारी शेयर करूंगा। तीसरे के बारे में बात करें कि आप यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन किस तरीके से शॉपिंग कर सकते हो। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से किस तरीके के चार्जेस देने पड़ेंगे। पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट भाई, अगर आप यहाँ पे कार्ड ले लेते हो तो आप इसको कहाँ पे कैसे किस तरीके से यूज करोगे। इसके साथ साथ आपको जो भी पेमेंट होगी, यानी कि आप कोई प्रोडक्ट ईएमआई में बाय कर रहे हो उसको रीपेमेंट कैसे करोगे, ये सारी जानकारी को देते हुए आज इस वीडियो में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को कैसे अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए देख लेते हैं बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को अप्लाई करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस। दोस्तों, बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि भाई आपको बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बताया जाता है कि आपको यहाँ पे जो लिमिट है वो 3 लाख रुपए तक की मिल सकती है। अप्लाई कैसे करना वो जानना ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे दोस्तों कार्ड को अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे गेट इट नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर एंटर कर रखा उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। दोस्तों, यही सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। इस पेज पे आपको सारी चीजें बड़े ही ध्यान से भरनी है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी चीज गलत फिलअप किया तो आगे जाकर के आपका कार्ड भी रिजेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे लिमिट भी नहीं दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल को फिलअप करना है, जिसमें कि सबसे पहले अपना नाम एंटर करेंगे जो भी आपके पैन कार्ड में दिया गया है, और आपके पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया गया उसी डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अपने पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर डाल देंगे और आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है उस एड्रेस का जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद आपके सिटी का नाम आ जाएगा। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है भाई आप यहाँ पे सैलरी पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयर हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आप सैलरी पर्सन तो आपको कार्ड आसानी से मिल ही जाता है। अगर आप मान लीजिए कहीं मान लीजिए किसी शॉप में काम करते हो या घर बैठे कोई काम करते हो तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयर भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने सैलरी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखें जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जस्ट इसके बाद आपको सिंपल सा प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। फिलहाल देखिए दोस्तों यहाँ पे कंजेशन का मैसेज आ चुका और यहाँ बताया गया कि भाई साहब आपका यहाँ पे स्टंट कार्ड अप्रूव हो चुका है, जिसकी लिमिट 1,35,000 रुपए दी गई है। अब इस कार्ड को लेने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ प्रोसेस एंड वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ फाइनली आपका नाम शो कर दिया जाएगा और जो भी आधार कार्ड में आपकी जो भी डिटेल होगी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हालांकि अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपडेट एड्रेस पे क्लिक करके अपना एड्रेस भी अपडेट कर सकते हो। एड्रेस अपडेट करने का मतलब मैं आपको वो भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर मेरा एड्रेस यहाँ पे उत्तर प्रदेश का, मैं करंट टाइम में रहता हूँ यहाँ पे फरीदाबाद में, तो हो सकता है मैं यूपी के या फिर बिहार के ऐसे इलाके में रहता हूँ जहां पर हो सकता है बजाज की सर्विस ना हो, तो मेरा कार्ड तब भी रिजेक्ट हो सकता है। उस केस में क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए मैं फरीदाबाद में रहता हूँ या दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ मुझे पता है भाई यहाँ पे लगभग सभी कार्डों की सर्विस तो रहती रहती है, तो मैं यहाँ का भी एड्रेस एंटर कर सकता हूँ। उस एड्रेस को भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोई भी कार्ड फिजिकल आपके घर में भेजा तो जाता नहीं, डिजिटली ही भेजा जाता है। बस कोशिश ये करो कि आपके एरिया में सर्विस होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे देखें सारा कुछ हमारा क्लियर हुआ पड़ा है, सिंपल से यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिए मैं लाइव प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, इसलिए आपको वेट करने की जरूरत रहेगी। फिलहाल देखेंगे हमारे पास मैसेज आ चुका है वेरिफिकेशन केवाईसी करने के लिए, और यहाँ पे देखेंगे जो लोन की लिमिट है वो 1,35,000 रुपए है, और यहाँ पे बात करें जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं वो फिलहाल 50,000 रुपए की कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वन टाइम ज्वाइनिंग फीस भी आपको यहाँ पे 599 रुपए पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखें जो कार्ड की फीस है 530 रुपए ही है मात्र, लेकिन जो उस पर कन्वेंस फीस लगाई जा रही है वो 69 रुपए, इन दोनों को जोड़ने के बाद 599 रुपए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते थे कि बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को आरबीआई की तरफ से बैन कर दिया गया था। अगर इस ईएमआई कार्ड को अभी करंट टाइम में आप लेते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि इनके यहाँ पर 1,50,000 पार्टनर हैं जहां पर आप इस ईएमआई कार्ड को यूज कर पाओगे। इसके अलावा जो बजाज मॉल है उस पर अभी फिलहाल नहीं यूज कर पाओगे। और यहाँ पे देखेंगे लैंडिंग ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, जैसे कि मान लीजिए अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, वहां पर अभी आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन कुछ ही दिन के बाद देखेंगे धीरे धीरे करके हर जगह पे दोबारा से अपडेट हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अप्लाई प्रोमो कोड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नहीं बल्कि 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन बताया जाता है कि भाई अगर आप इस ईएमआई कार्ड को ले लेते हो, ईएमआई कार्ड एक्टिवेट हो गया है, उसके करीब 10 दिन के अंदर अंदर आप जाकर के कहीं पर भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपनी कर लेते हो, तो उस केस में देखेंगे आपको यहाँ पे 200 रुपए से
से लेकर के 1000 रुपए तक का कैश बैक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा ऑफर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस वाले ऑफर में यह है कि भाई अगर अपना कार्ड यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद आपको एक पेमेंट करनी होती है जो मैंने दिखाया था आपको 599 रुपए, वो पेमेंट हो जाती है तो उसके बदले में देखेंगे यहाँ पर आपको 20 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक आपको कैश बैक देखने को मिल जाएगा। सेम इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री आपको एक सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि सोनी लिव का रहेगा 6 महीने के लिए। तो आप इन तीनों में से किसी को भी अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखिएगा अगर पहले वाले को अप्लाई करोगे तो 10 दिन के अंदर आपको ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मैं 10 दिन में कोई ट्रांजेक्शन करने वाला, इसलिए मैं सेकंड वाले को यहाँ पे चॉइस कर लूंगा। इसके जस्ट बाद सिंपल से मैं प्रोसेड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आने के बाद ध्यान से देख लीजिए, आपको पेमेंट करने के लिए यूपीआई से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब किसी के माध्यम से भी अपना पेमेंट आप आसानी के साथ यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल मैं यूपीआई को सिलेक्ट करने वाला हूँ, सिंपल से पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ आने पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने फोन पे को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे फोन पे की यूपीआई आईडी को मैं इंटर कर दूंगा। जैसे आप अपनी यूपीआई आईडी को इंटर कर देंगे, इसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो आपकी यूपीआई आईडी वेरीफाई हो जाएगी और जो भी आपके बैंक में नाम होगा वो नाम यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे कि जो आपका फोन पे एप्लीकेशन या फिर जो भी एप्लीकेशन आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा उस पर एक नोटिफिकेशन जाएगा। जैसा कि देखें हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है और हमारा यहाँ फोन पे एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे पे का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल से यहाँ पे कर देना है। सिंपल से मैं अपने यहाँ पे यूपीआई आईडी को एंटर कर लूंगा। इसके बाद देखिए जो हमारी पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। फिलहाल देखें जो हमारी पेमेंट है सक्सेसफुल यहाँ बजाज फिनसर्व लिमिटेड को हो चुकी है। अगर मैं बैक चल करके अगर आपको मैं मैसेज में चेक कराऊं तो जैसा कि देखेंगे हम लोग मैसेज में आ चुके हैं, यहाँ पे देखिए 599 रुपए हमारे डेबिट हो चुके हैं जो कि बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के लिए। इसके अलावा हमारा जो कार्ड था यहाँ पे देखेंगे अप्रूव भी हो चुका है। इसके अलावा जो भी प्रोसेस रहेगा उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे जो वैलिडिटी है इसकी 5 तारीख 2034 तक चलता रहेगा और इसके बाद जो लिमिट के बारे में बात करें, आप लिमिट सक्सेसफुली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,35,000 रुपए हमें मिल चुकी है। हम चाहे तो यहाँ पे कार्ड का नंबर भी देख सकते हैं, बाकी जो ट्रांजेक्शन थी सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि भाई आपको ई मेन डेट करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ई मेन डेट का मतलब ये हो गया अगर मैं इस कार्ड को ले जाकर कहीं पर यूज करूंगा तो जो भी महीने की ईएमआई आएगी वो मेरे अकाउंट से डेबिट होनी चाहिए, उसके लिए आपको ई मेन डेट कंप्लीट करना पड़ेगा। सिंपल से हम यहाँ पे देखेंगे एक्टिवेट का ऑप्शन मिल रहा है, हम एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। अभी फिलहाल देखेंगे दोस्तों ई मेन डेट का पेज हमारे सामने खुलकर आ चुका है। रितिका सिंह यानी कि जिनका मैंने यहाँ पे कार्ड अप्लाई किया वो मेरी वाइफ है। अब देखिए अकाउंट होल्डर नेम में भी रितिका सिंह होना चाहिए। कई बार क्या लोग गलती कर देते हैं कि भाई ठीक है मेरे नाम से मैंने अपने कार्ड बनवा रहा हूं लेकिन मेरे को लगता है कि भाई जो बैंक अकाउंट है ना अपने फैमिली या फ्रेंड में किसी का दे देता हूं। तो अगर ऐसा करोगे ई मेन डेट आपका सक्सेसफुल होगा ही नहीं। तो फिलहाल ई मेन डेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे एफएससी कोड डाल दूंगा, यहां पे अकाउंट नंबर डाल दूंगा, यहां पे अकाउंट किस टाइप का उसको सेलेक्ट करूंगा, प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। चलो मैं डिटेल फिलअप करके फिर आगे कंटिन्यू करके आपको दिखाता हूं। सो दोस्तों यहां पर मैंने सारी डिटेल को फिलअप कर लिया। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे देखिए जो आपको अपना रजिस्ट्रेशन मोड करना है यानी कि आपको अपने ई मेन डेट को सक्सेसफुल यहां पे रजिस्टर्ड करना है। इसके लिए दो तरह के ऑप्शन, एक है आपका यहां पे डेबिट कार्ड, दूसरा है नेट बैंकिंग। देखिए नेट बैंकिंग तो सबके पास शायद ना भी हो लेकिन डेबिट कार्ड ऑलमोस्ट सबके पास होता ही है। फिलहाल यहां पे डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। फाइनली इसके बाद देखें यहां पे ध्यान से देखिए हमें डेबिट कार्ड यहां पे सेलेक्ट कर लेना है या फिर आप नेट बैंकिंग चाहे नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे आधार कार्ड का ऑप्शन यहां पे इनेबल नहीं किया गया है तो फिलहाल मैं सिंपल से यहां पे डेबिट कार्ड पे सेलेक्ट रहने दूंगा। यहां पे एक बॉक्स दिया है, उस बॉक्स पे क्लिक कर दूंगा। इसके जस्ट बाद यहां पे सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखें यहां पे आपका अकाउंट का नाम आ जाएगा, ई मेन डेट जैसे बजाज फिनसर्व लिमिटेड इसका नाम आ जाएगा, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया, इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने कार्ड के नंबर इंटर करना है, एक्सपायरी मंथ ईयर इंटर करना है, सीवीवी इंटर करना है और कार्ड होल्डर का नाम डालना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए ई मेन डेट को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे 118 रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी। हालांकि ये 118 रुपए जो लगते हैं वो बैंक को देने पड़ते हैं। बैंक को इसलिए देने पड़ते हैं कि जो पूरे साल मान लीजिए आपने जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे ईएमआई बाय कर रहे हो तो हर महीने जो ईएमआई ऑटो डेबिट होगी वो फैसिलिटी बैंक की तरफ से दी जा रही है। तो बैंक को यहाँ पे 118 रुपए आपको देना पड़ेगा ई मेन डेट कंप्लीट करने के लिए। तो फिलहाल मैं चलता हूँ अपने कार्ड के यहाँ पे डिटेल को फिलअप कर लेता हूँ। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने कार्ड की डिटेल को डाल लिया, वो भी ध्यान से डाला कहीं कुछ गलती ना हो जाए। इसके जस्ट बाद सिंपल से यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे जो भी आपका अकाउंट के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को सिंपल से आपको यहाँ पे इंटर करना है, मैक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे ई मेन डेट ऑटो डेबिट एनरोलमेंट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप देखेंगे ई मेन डेट की सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुल आपको देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों अभी देखेंगे हमारा जो ई मेन डेट था वो सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो चुका है और ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहा योर इस्टा ईएमआई कार्ड हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यानी हमारा कार्ड भी एक्टिवेट हो चुका है। अगर हम चाहें तो अभी इस कार्ड को ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। सिंपल से व्यू कार्ड पे हम क्लिक कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आप जैसे यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बाय करने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि इनके खुद के ई कॉम प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है तो आप इसी कार्ड का यूज करते हो यहाँ पे
किसी भी प्रोडक्ट को ई एम आई बाई कर पाएंगे। अगर अपने कार्ड की डिटेल को देखना सिंपल से यहाँ पे ई एम आई कार्ड पे क्लिक कर देंगे तो आपको अपने कार्ड की डिटेल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है कि बजाज फिनसर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और वहीं से अपने इस कार्ड को आप फुल्ली मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों बजाज फिनसर ई एम आई कार्ड आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, बजाज फिनसर ई एम आई कार्ड आपको फिजिकल फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं मिलता है बल्कि आपको डिजिटली मिलता है। बजाज फिनसर का ई एम आई कार्ड मेरे पास बहुत पुराने टाइम पहले का, जब यहाँ पर फिजिकल कार्ड घर पर डिलीवर किए जाते थे, लेकिन अभी के टाइम में सिर्फ आपको यहाँ पे ऑनलाइन ही देखने को मिलेगा। हालांकि ऑनलाइन जो आपको कार्ड मिलता है उससे आप अपने सारे काम कर सकते हो। अब ये जानना जरूरी है कि बजाज फिनसर ई एम आई कार्ड को लेने के बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन आप किस तरीके से शॉपिंग कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन के बारे में बात करें तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा, बजाज फिनसर ई एम आई कार्ड का इस्तेमाल करते हुए आप कई सारी वेबसाइटों से ऑनलाइन यहाँ पर आइटम को बाय कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ड पे किसी भी आइटम को बाय करने का एक प्रोसेस बताने वाला हूँ। सिंपल से आपको फ्लिपकार्ड एप्लीकेशन में चले जाना है, आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट को आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि जरूरी नहीं है कि सभी प्रोडक्ट को आपको बजाज फिनसर ई एम आई कार्ड की फैसिलिटी देखने को मिल जाए, फिर भी आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हो और देख सकते हो। फिलहाल हमने जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद सिंपल से बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नॉर्मल प्रोडक्ट को बाय करते हैं सेम उसी तरीके से हम इस प्रोडक्ट को भी बाय करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, हर तरह से पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। इसी में एक ऑप्शन मिलेगा आपको ईएमआई का। सिंपल से जब आप ईएमआई पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे तीसरे चौथे नंबर पे बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल से इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि जो भी प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हो उसमें आप कितने महीने की ईएमआई लेना चाहते हो आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे 24 महीने तक का या 12 महीने तक का, 9 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का ईएमआई का ऑप्शन दिया जाए। इसके अलावा जैसे भी आपको यहाँ पे ईएमआई का ऑप्शन दिया जा रहा है उसके सामने ही देखेंगे आपको उसकी ईएमआई भी दी जा रही है कि भाई कितने महीने की ईएमआई को आप सेलेक्ट करो, हर महीने आपको कितने की ईएमआई पे करने की जरूरत पड़ेगी। ईएमआई प्लान को सेलेक्ट करने के बाद सिंपल सा आपको अपने कार्ड के नंबर डाल देने हैं। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कार्ड में आपको एक्सपायरी मंथ या सीवीवी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए कार्ड के अंदर सीवीवी भी दिया नहीं जाता है। तो सिंपल सा आप कार्ड के नंबर डाल देंगे, पैलेस ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे, आपके बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को डालने के बाद आपका यहाँ पर जो ऑर्डर था वो पहले से यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। ये तो बात हो गई आपकी ऑनलाइन आप इस तरीके से आइटम को बाय कर सकते हो। अब बात करेंगे ऑफलाइन के बारे में। हालांकि इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा, लेकिन फिर भी छोटा सा प्रोसेस बता देता हूँ। आप अपने आस पास में किसी भी मॉल में जाएंगे, किसी भी स्टोर पर जाएंगे, आपको फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, जो भी चीज़ें आपको लेनी है उस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड के बारे में बात करोगे, बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड से मुझे इसको लेना है, तो आपके आधार कार्ड से भी बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड को फेचिंग किया जा सकता है या फिर आप अपने मोबाइल से बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड की डिटेल शेयर कर सकते हो। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को आप वहां से ले सकते हो। वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि आपको वहां पे डाउन पेमेंट भी देनी पड़ती है, इसके साथ साथ आपको वहां पे प्रोसेसिंग फीस के नाम पे या फाइल चार्जेस के नाम पे भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं। इसके ऊपर डिटेल जो वीडियो बना रखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, जरूरत पड़े जाकर उस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि वहां पे डिटेल में जानकारी शेयर किया गया है भाई कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं। कई बार लोगों के साथ वहां पे गलत भी किया जाता है, कई बार प्रोसेसिंग फीस के नाम, फाइल चार्ज के नाम पे ज्यादा पैसे भी ले लिए जाते हैं। हालांकि ऑफलाइन बाय करने का जो तरीका आप वहां पे डिटेल में देखने को मिल जाएगा। अब मेन चीज बात करते हैं यहाँ पे चार्जेस क्या क्या किस तरीके के लगाए जाते हैं। सबसे पहला चार्जेस जब आप बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड लेते हो तो यहाँ पर आपको इसकी एक तरह से देखेंगे कि इसकी ज्वाइनिंग फीस कह सकते हैं वो आपको देनी पड़ती है, जो कि कन्वेंस फीस को मिलाने के बाद 599 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। वहीं अगर हम इसके एनुअल फीस के बारे में बात करें जो कि आपको 117 रुपये देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आप इस ईएमआई कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अगर एक साल में कोई एक प्रोडक्ट भी फाइनेंस करवा लेते हो तो आपको एनुअल फीस देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ऑनलाइन जाकर के आप कोई भी प्रोडक्ट अगर ईएमआई में बाय करोगे तो जो इसकी फर्स्ट ईएमआई आएगी उसके साथ आपको यहाँ पे कन्वेंस फीस के नाम पे 117 रुपये आपको पे करने की जरूरत पड़ेगी और प्रोसेसिंग फीस के नाम पे वहाँ पे आपसे 176 रुपये भी लिए जा सकते हैं। मेन चीज ये फायदा हो जाता है कि आप बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड जब यूज करते हो तो आपको डाउन पेमेंट ऑनलाइन में कोई भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा जो उसकी पहली ईएमआई रहेगी आपको नेक्स्ट मंथ में पे करने की जरूरत पड़ती है। और अब बात कर लेते हैं कि आप पेमेंट को कैसे वापस करोगे। तो पेमेंट वापस करने का सबसे सही और सबसे आसान तरीका यही है कि मैंने आपको बताया कि आप ई मेन डेट कंप्लीट कर सकते हो, जो कि कार्ड को अप्लाई करते समय आपको करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आप बैंक सेलेक्ट करते हो उसी बैंक से हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक आपकी डेबिट हो जाती है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एक आपके नाम से एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। और अगर हम सिविल के बारे में बात करें, अगर आपके सिविल में अगर एक लोन की या क्रेडिट कार्ड की भी एंट्री हो चुकी है तो आराम से आप अपने यहाँ पे ईएमआई कार्ड को ले सकते हो। यहाँ पे सिविल बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, बस मैटर ये करता है कि आपके सिविल में कोई ना कोई लोन और क्रेडिट कार्ड की एंट्री होना जरूरी है। सो दोस्तों बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड के ऊपर मैंने डिटेल जानकारी देने की पूरी कोशिश करी, फिर भी कोई पॉइंट छूट गया तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।